वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि अभी ऑफर में चल रहे हैं, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हो बहुत रिजनेबल प्राइस में। सो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरी शॉपिंग हुई है बिग बाज़ार से, मलार बिग बाज़ार से, जो कि आपने C21 मलार का तो नाम सुना ही होगा। तो मेरी बिग बाज़ार से शॉपिंग हुई है, तो चलो हम ओपन करते हैं मैं क्या शॉपिंग करी हूँ। तो गाइस, मेरी ये शॉपिंग हुई है, तो मैं तवा लेके आई हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे तवा नहीं था, मतलब था, काफ़ी टाइम हो गया था उसको, तो चेंज करना था, उस हिसाब से तवा लेके आई हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो नॉन स्टिक तवा है। एंड इसका प्राइस आप लोग देख सकते हो, ये प्राइस में मुझे मिला है 999 का, पर आया मुझे 999 का। सो गाइस, इसकी बात करें हम इसकी, तो ये गाइस ब्रांड मतलब नॉर्मल कोई ब्रांड नहीं है, मतलब बहुत अच्छी ब्रांड है, आप लोग ने सुना भी होगा। सो गाइस, ये फेबियानो का है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसकी हम बात करें हैंडल की, तो हैंडल इसकी बहुत मजबूत है, मतलब बहुत अच्छी है, जिससे मतलब जो हम नॉर्मल तवा लेते हैं रोड से, मतलब उससे तो काफ़ी अच्छी है, मतलब हम इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं। आप मतलब नॉर्मल तवा तो आप लोगों को भी पता होगा कि रोड पे मतलब 200-300 रुपये में मिल ही जाता है नॉर्मली। सो गाइस, आप लोग इसका देख सकते हो, मतलब मुझे इसकी जो नॉन स्टिक है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे मतलब ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे पास ये आ जाए। सो गाइस, फाइनली मेरे पास आ चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरा खाना इस पर बनेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो, मुझे इसका हैंडल बहुत अच्छा लगा, जो कि नॉर्मल तवा में नहीं आता है। तो आप लोग गाइस बिग बाज़ार से जाके शॉपिंग कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। फेबियानो की आपने तो सुना ही होगा, एक ब्रांड है ये, तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं किसकी किसकी तो हम बात करने वाले हैं चॉपर की, जो कि मेरे पास चॉपर नहीं था, काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था, तो मैं हर बार मार्केट जाती थी, बट मैं भूल जाती थी कि मेरे को चॉपर चाहिए। मैं जब प्याज छिलने जाती थी या प्याज काटने जाती थी, तो मेरे आँख से पता इतने आंसू आ जाते थे कि यार, मैं तो रोने लग जाती थी फ्री। सो गाइस, फाइनली मेरे पास अब कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली मेरे पास चॉपर आ चुका है, और मैं इसी से प्याज चॉप करूँगी, एंड मैं टमाटर करूँगी, इससे हम काजू कर सकते हैं, इससे चॉप सेकंड चीज़ें हम इससे बादाम वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एकदम मिक्सर जैसा बिल्कुल नहीं होगा ये, मतलब एकदम प्लेन नहीं होगा, जैसे कि हम मिठाई वगैरह में या किसी, जैसे प्याज को हमको चॉप करना है नॉर्मली सब्ज़ी में डालने के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आपकी आँख से पानी भी नहीं आएगा, और आपका प्याज पूरा जल्दी से चॉप हो जाएगा, जो कि 5 सेकेंड के अंदर में आपका प्याज चॉप हो जाएगा इससे, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं इसकी क्वालिटी कैसी आई है। हाँ गाइस, क्वालिटी तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं आपको इसकी क्वालिटी बताती हूँ, ये देख सकते हो। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, एंड मैं बात करूँ इसकी चाकू की, तो और जैसे कि 200-300 रुपये में भी मिल जाता है चॉपर, तो जो 200-300 रुपये वाले आते हैं ना गाइस, वो बस वही 15 दिन यूज करो और फिर उसको साइड करो, उस हिसाब से रहता है ये। मतलब मुझे इसका प्राइस मैं आपको बताऊं कितने में पड़ा है, इसका प्राइस कहाँ है इस पर प्राइस तो लिखा होना चाहिए, वाइस मुझे दिख ही नहीं रहा, जस्ट मिनट, मुझे इसका प्राइस तो दिख ही नहीं रहा है गाइस, ओ सॉरी, हाँ दिख गया, आप लोगों को भी फाइनली दिख चुका होगा, ये मुझे पड़ा है 595 का मुझे पड़ा है। तो आप लोग 595 में मतलब हाथ से काटने के बजाय, आंसू बांधने के बजाय, तो आप लोग मतलब ये 595 में जाके परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। गाइस, हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर लास्टिक रहती है, जो कि मतलब इससे ही चॉपर होता है एक्चुअल में। अब हम बात करने वाले हैं ये चाकू की, जैसे नॉर्मली जो 200 में, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे हैं इसके, तो 200 में वो बताते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई, तो कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिली है गाइस, जो कि आप लोग देख सकते हो ये 3 वाली है, इसमें 3 चाकू हैं। तो गाइस, जो 4 वाले रहते हैं, 4 चाकू वाले, वो इतने मतलब कोई वो नहीं रहते, वो तो अमेज़ोन वाले कुछ भी है,
सो गाइस हम बात करने वाले इसको बच्चों से, मतलब खास तक करके इसको बचा के रखना पड़ता है। इसके चाकू में बहुत ज़्यादा धार होती है, तो आप लोग मतलब अपने हिसाब से इसको ध्यान रखना। और हम बात करने वाले हैं, मुझे मतलब इसकी चाकू बहुत अच्छी लगी, जिससे मैं आपको कुछ इसे चॉप करके भी बताने वाली थी, बट अभी नहीं बता पाऊँगी। तो गाइस इसकी हम बात करें कटोरे की, तो ये बहुत अच्छी है और ये कांच की है गाइस, जो कि हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। और इसकी ढक्कन है जो कि हम इसको इस तरीके से करेंगे। कोई नहीं, वो तो नीचे गिर गया। अब हम ओपन करने वाले हैं गाइस। क्या ओपन करने वाले हैं, कुछ सरप्राइज दोगे या नहीं आप लोग? तो चलो ज़्यादा मस्ती नहीं करते हैं। तो मैं ओपन करने वाली हूँ गाइस हॉकिंस, जो कि आप लोग देख सकते हो। मुझे 2 लीटर का चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पहले था, उस हिसाब से मतलब मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, तो मैं छोटा ही लाई हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो ब्रांड है ये। इसमें हलवा बहुत प्यारे बनते हैं, जो कि आपने टीवी पे देखा ही होगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो ये ब्रांड हो गई हमारी और मेरे को बहुत अच्छी लगी ये मेरी कुकर। अब मैं इसकी बात करूँ, वारंटी कार्ड भी मुझे इसमें मिला है, जो कि मुझे इसमें कितना साल भर का वारंटी कार्ड मुझे मिला है। मतलब साल भर में कुछ भी बिगड़ेगा, कुछ होगा, तो मैं इसको जाके रिपेयरिंग करा सकती हूँ बहुत आसानी से। सो गाइस मैं इसका आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अभी तक किया ही नहीं है। मतलब मैंने वहाँ पे देखा था, मतलब नॉर्मली देखा था, ये मतलब उसका फ्रेश पीस है, उसने मुझे जो निकाल के दिया था। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे आप लोगों के साथ? अब मैं करती हूँ आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। कैंची भी नहीं लेके आता है, सॉरी, मुझे ऐसे ही करना पड़ा। अब हम बात करें गाइस ओपन करने से पहले एक चीज़ और रह गया है। इसकी MRP देखी जाए तो आप लोग देख सकते हो इसकी MRP कितनी है। इसकी MRP, इसकी MRP है 1750 का मुझे पड़ा है गाइस ये, जो कि आप लोग ये देख सकते हो, मैंने आपको दिखाई दिया था। तो मुझे ये 1750 का फाइनली 2 लीटर का पड़ा है, तो आप लोग जाके शॉपिंग कर सकते हो। ये भी बिग बाज़ार से ही लाई हूँ, जो कि मुझे इसकी क्वालिटी, मतलब पहले भी मेरे पास जो था वो 5 लीटर का है, मेरे पास हॉकिंस ही है। ये भी मुझे मतलब हॉकिंस का ही चाहिए था, क्योंकि मतलब ये नॉन स्टिक रहती है और बहुत अच्छी रहती है। मतलब कहना चाहिए ऊपर भी स्टील रहती है, नीचे भी स्टील रहती है, और दोनों तरफ ही स्टील रहती है, जिसको हम मतलब गैस पर भी नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो गैस पे तो हम इसको कर ही सकते हैं। अब हम बात करने वाले थे किसकी, इंडक्शन की बात करने वाले थे। तो हम इसको बहुत मतलब इंडक्शन पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं इस पे खाना, क्योंकि ये नॉन स्टिक रहता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। हॉकिंस का ज़्यादातर करके मतलब नॉन स्टिक ही आता है, जो कि मतलब सिर्फ कुकर और तवा आते हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करें जल्दी से। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए। काफ़ी देर से मैं मतलब सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी से वीडियो बना दूँ, मैं देख लूँ, अभी तक ओपन नहीं किया। गाइस आप लोगों के लिए कितनी चीज़ें। और सो गाइस मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ बताना भूल गई, कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही प्यार दिखाओ मुझे, और लाइक करना मत भूलना गाइस। तो अब मैं आप लोगों के साथ इस ओपन करने वाली हूँ, जो कि देख सकते हो यहीं से कर दो क्या। ढक्कन निकल गई, इसमें मेरी फेस दिख रही होगी, ओरिजिनल स्टील है ये। कैसा लग रहा है मेरा फेस, जो कि आप लोग देख सकते हो स्टील है ये। इसकी देखो गाइस, ये मेरा आ गया फाइनली 2 लीटर का हॉकिंस आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब मैं इस पे हलवा बनाऊंगी, अब ठंड की मौसम चालू हो गई है, तो मस्त इसमें हलवा बनेगा और मैं खाऊंगी। मम्मी बनाएगी मेरी, देख सकते हो गाइस, मतलब ओरिजिनल ये लग रहा है कि हाँ नॉन स्टिक है। मतलब इतनी अच्छी लग रही है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ये छोटा सा ना ज़्यादा, बड़ा ना ज़्यादा, छोटा मीडियम साइज़ का, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी हैंडल आप लोग देख सकते हो, ये गर्म नहीं होती है, जो नॉर्मल कुकर होते हैं ना उसके तो आउट साइड के गर्म हो ही जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। सो गाइस ये नॉर्मल कुकर नहीं है, ये हॉकिंस एक ब्रांड है, आप लोगों को भी पता होगा। तो मुझे इसकी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, ऑलरेडी मेरे पास इसका था और मैं दूसरा लेके आ चुकी हूँ।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना किसकी मतलब आप लोगों को क्वालिटी कैसी लगी, जो कि इसमें फेस तो नहीं दिखा सकती, उसमें फेस दिख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग भी जाके बिग बाजार से शॉपिंग करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मतलब मेरा परचेसिंग कैसा लगा और हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो ये उसकी ढक्कन थी जिसमें मेरा फेस दिख रहा था। और गाइस हम बात करें इसकी सीटी कहाँ गई, सीटी कहाँ गई जो कि अभी तक मैं आप लोगों के साथ देख नहीं पाई। हाँ गाइस देखो इस तरीके से आता है हॉकिंस के उसमें अनबॉक्सिंग करने वाले डब्बे में इस तरीके से आता है इसका ऊपर ये सीटी। तो इसको मुझे खोलना है, तो ये मैं निकाल चुकी हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस तरीके के थैली में आती है इसकी सीटी। ये देख सकते हैं इसकी सीटी इस टाइप की रहती है, जिसमें भी मतलब इसमें भी मेरा फेस दिख रहा है। ये भी ओरिजिनल स्टील है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा वजन लग रहा है। जो नॉर्मल कुकर होते हैं उसके जो सीटी होते हैं तो बहुत हल्के होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। अब मैं इसको बंद करके बताती हूँ, ये लग गया हमारा फाइनली सीटी। बताऊँ देख सकते हो, आपको बता रही हूँ गाइस फाइनली मेरा कुकर में हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस इस टाइप का लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जाके बिग बाजार से शॉपिंग करें और मुझे बता कि कैसा लगा हमारा शॉपिंग। जस्ट मिनट, हमारी 3000 की शॉपिंग हुई थी ऑफर में चल, मतलब अभी ऑफर चल रहा है वहाँ पे 25% का कुछ ऑफर चल रहा है, जिसमें से 3000 की मेरी शॉपिंग हुई है। उसमें से मुझे 5 किलो चावल गाइस फ्री मिला है, जो चावल खा के मोटी हो जाऊंगी मैं। नहीं 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 गाइस तो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि अभी ऑफर चल रहा है तो मुझे 5 किलो चावल मुझे मतलब कहना चाहिए उसमें इंक्लूड था, जो कि मुझे मतलब फ्री में मिला है। अब गाइस मैं आप लोगों के साथ, ये क्या है छन्नी, जो कि मेरे पास आटा चालने के लिए था ही नहीं था काफ़ी टाइम से, मतलब मैं सोच रही थी कि लेके आ जाओ, मेरे पास सच में ही घर पे भी नहीं था, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। और मैं इसका प्राइस आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, ये भी बिग बाजार से ही लाई हूँ, मतलब सबसे हाथ में हुई है। ये 199 का पड़ा है, 199 का। तो आप लोग मतलब ये स्टील है गाइस, देख सकते हो आप लोग जैसे आप लोग अपने पति को देखते हो इसमें, तो इसी को मतलब वो डेकोरेट कर देते हैं और आप लोग देख लेते हो। सो गाइस मुझे बहुत अच्छी लगी है, ओरिजिनल स्टील है, तो आप लोग जाके परचेस करें और मुझे बताएं मतलब कैसा लगा हमारा शॉपिंग। अब गाइस मैं बात करूं हलवा प्लेट गाइस देख सकते हो ओरिजिनल स्टील है, जो कि मुझे बात करो इसकी एमआरपी की तो एक मुझे 69 का पड़ा है गाइस। तो ये टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो एक एक मुझे 69 में पड़ा है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने की होगी। ओरिजिनल स्टील है, जो कि आप लोग देख सकते हो इसमें मेरा फेस दिख रहा है, बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा आप लोगों को। मुझे ये बहुत अच्छी लगी और बहुत रिजनेबल प्राइस में ओरिजिनल स्टील मिल गई, तो आप लोग जाके शॉपिंग कर सकते हो बिग बाजार से। अब हम बात करने वाले हैं गाइस ये चम्मच की, छोटा सा चम्मच मुझे चाहिए था, घर पे तो ऑलरेडी था ही, बट मुझे देखा तो ये भी लेके आ गई, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, ओरिजिनल स्टील लग रहा है, मतलब कोई बेकअप बनाने वाला बिग बाजार में ऐसा नहीं है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बात करने वाली हूँ इसकी, इसमें जो जैसे कि आप लोग रोटी बनाते हो तो आप इसमें घी रख के जो रोटी पे लगा सकते हो, तो मुझे ये चाहिए था तो ये मैं लेके आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस मतलब मेरी कैसी लगी बर्तन शॉपिंग मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। और हम गाइस यहीं पे स्टॉप करते हैं, मेरा वीडियोस कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलना। सेकंड चीज़ है गाइस वीडियोस के नीचे छोटा सा एक बटन है, उसको सब्सक्राइब कर देना। सो ऐसा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी था, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। You said